मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया कि हमने लुकमान को यकीनन हिकमत दे रखी थी। उन्होंने क्या कहा? अनिश्कुर लिल्लाह, कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बंदे बनकर दुनिया में गुजारो। लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीर में लिखा गया है कि उनके मालिक ने एक दिन उनसे कहा कि आप मेरे लिए एक बकरी ज़बह कराएं और उसमें से उम्दा गोश हमारे लिए पेश करें। तो लुकमान अलैहिस्सलाम ने एक बकरी ज़बह करवाई अपने मालिक के लिए और उनके सामने गोश्त पेश किया, ज़बान का और दिल का, दिल और ज़बान को पेश किया, तैयार करके पेश किया। एक दिन फिर दोबारा उनके मालिक ने कहा हमारे लिए एक बकरी ज़बह करो और उसमें से जो नाकारा किस्म का गोश्त है, बेकार किस्म का, उसको पेश करो। लुकमान अलैहिस्सलाम ने वही ज़बान और वही दिल को पेश किया। मालिक ने कहा अजीब बात है, पहले दिन जब हमने आपसे कहा कि बेहतरीन गोश्त पेश कीजिए तो दिल और ज़बान को पेश किया, और जब हमने तुमसे ये कहा कि जो नाकारा किस्म का गोश्त पेश करें तो वही दिल और ज़बान तुमने पेश किया। उन्होंने कहा मालिक से कि हर जानवर में और हर जानदार में और खुसूसन इंसान के अंदर दो चीज़ें हैं, एक दिल है एक ज़बान है। अगर ये दिल और ज़बान सही सलामत रहें तो उसका दीन और उसकी दुनिया दोनों महफूज, अगर ये सलामत ना रहें, इसमें फसाद, इसमें बिगाड़ पैदा हो जाए, दिल में फसाद पैदा हो जाए, ज़बान में बिगाड़ आ जाए, तो सारी मुसीबतें और सारी परेशानियाँ यहीं से शुरू होती हैं। सबसे पहले दिल में कदूरत, बुग्ज़, अदावत, दुश्मनी, निफाक, कुफ्र, नाशुकरापन पैदा हो जाता है, तो ज़बान से वो दिल में जो कुछ होता है ज़बान से अदा होने लगता है और सारी परेशानियाँ यहीं से शुरू होती हैं। और अगर दिल महफूज रहे, अगर दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से महफूज रहे और आदमी अपने दिल की हिफाजत करे निफाक से, कुफ्र से, बुग्ज़ से, अदावत से, दुश्मनी से, हद हसद से, बेईमानी से, और अपने दिल को तख्वे से मामूर कर ले, तो फिर उसकी ज़बान से अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की तिलावत, उसकी इबादत, उसकी ज़बान से निकलने वाला हर जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक इबादत बन जाता है। तो लुकमान अलैहिस्सलाम ने नसीहत फरमाते वक्त अनिश्कुर लिल्लाह, हर आदमी को चाहिए कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बन करके रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, अगर हम अपने रब की जो नेमतें अल्लाह ने हमको जो अता फरमाई हैं, अल्लाह ने जो नेमतें हमको दे रखी हैं, अगर हमने इसको शुमार करना चाहा, अगर हमने इसको गिनना चाहा, ला तुहसूहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेमतों का कोई शुमार नहीं किया जा सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेमतों को कोई गिन नहीं सकता। मुमकिन है? नामुमकिन है। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया ये ज़मीन पूरी कागज़ बना ली जाए, ज़मीन पर रहने वाले सारे दरख्त खलम बना लिए जाएं, ये सारे समंदरों को सियाही बना लिया जाए और इन समंदरों जैसे सात समंदर भी सियाही बना लिए जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का कोई शुमार नहीं कर सकता, अल्लाह ताला की नेमतों कोई गिन नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون। सूरह मुल्क 29वें पारे में अल्लाह ने फरमाया ए नबी आप फरमा दीजिए هو الذي أنشأكم, अल्लाह ही की ज़ात है जिसने तुमको पैदा किया, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة, अल्लाह ताला ने पैदा करने के बाद तुम्हें सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आँख दिया, समझने के लिए, अच्छे बुरे के पहचान के लिए, बसीरत और बसारत के लिए अल्लाह ने तुमको दिल अता फरमाया। ये कोई मामूली नेमत है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई मामूली नेमत है? आँखें बसारत क्या हैं, बीनाई क्या है, आँखें क्या हैं, इनकी कदर और कीमत क्या है उनसे पूछिए जो नाबीना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको कान दिए हैं, समात सुनने की ताकत,
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी बड़ी नेमत है, अगर इसको जानना चाहो समझना चाहो उनको देखिए जिनकी बसारत नहीं है, बसीरत नहीं है, समात नहीं है, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, उनसे देखिए मेरे भाइयों।